वन सुबह के 6 बजे है, 6:15। हाँ, अभी निकुंज आया है मुझे पिकअप करने के लिए और अभी हम लोग निकल रहे हैं सूरत के लिए। अभी सूरत एग्जीबिशन है दफली में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पूरा सामान भर गया है, पूरा बच्चे का सामान भरा हुआ है आगे पीछे, कुछ बच जाता ही नहीं। बच सामान भरा पड़ा है, डिक्की में भी बहुत सारा सामान भरा पड़ा है और अभी हम लोग निकल गए। निकल रहे हैं टैक्सी आगे आगे और क्या होगा। अभी हम लोग जा रहे हैं श्रीदत्त में नाश्ता करने। गाड़ी की भीड़ तो देख ही सकते हो। चलो नाश्ता करने जाते हैं, उसको भूख लगी है। लेट्स सी हाईवे पे पूरा जाम, बहुत सारा गर्दी है। श्रीदत्त का फेमस वड़ा पाव अभी खाएगी, तब से भूख लगी थी जाने के पहले, घर से निकले नहीं कि खाओ खाओ हो रही है बेचारी। यहाँ की भीड़ देखो, ऑलमोस्ट बहुत गर्दी है यहाँ पे। काउंटर में भी बहुत वेटिंग है। खाए गए मैं उसके मुँह से धुआं निकल रहा है मुँह से भी, और जस्ट अभी श्रीदत्त से निकले, अभी पेट पूजा हो गया, जाने के लिए निकल गए। पेट पूजा हो गई, अभी निकल गए रुकेंगे सूरत में, खाऊ कर लिए, वहाँ खाओ खाओ करेंगे फिर से। कितना खाओ खाओ करेंगे, 12 बजे फिर तो पूरा दिन बिजी रहने वाला है। यहाँ से जाने के बाद एक्चुअली वहाँ पे डायरेक्टली जाएंगे हम लोग वेन्यू पे, क्योंकि वहाँ पे 4 बजे से फ्लैट चालू होने वाले हैं। 10 बजे बुलाया था, जाने 12 बजे लेट हो गया ना, तो फिर अभी हम लोग वहाँ पे जाके, क्योंकि सेटअप करने के लिए इतना टाइम चला जाता है ना, और ये टाइम स्टॉक भी बहुत ज्यादा है 3 डेज के हिसाब से, तो फिर बहुत ज्यादा ही टाइम चला जाएगा। आपको देखने में अच्छा लगेगा। चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर थोड़ा बहुत प्यार हमको भी दे दो यार, हर किसी को दे दो थोड़ा बहुत, हमको भी दे दो, हम जैसे भी गरीब को खुश रहे प्यार देंगे, अच्छा लगेगा, थोड़ा प्यार मिलेगा आप लोग को, सपोर्ट मिलेगा। चलो पहली बार कर रहे हम लोग, फाइनली वेन्यू पे पहुंच गए हैं। सूरत 12:20 हो गया है और अभी सामान उतारेंगे, फोटो करेंगे। एक्चुअली वो लोग बोले कि वहाँ से वहाँ पे लगवा दो फिर फोटो करेंगे। ये यहाँ पे है, ये एंट्रेंस नहीं है एक्चुअली, ये एंट्रेंस शायद वहाँ से होगा, ये जो दिख रहा है वहाँ से एंट्रेंस होगा, बट अभी जो चल रहा है वो यहाँ से सारे लोग सामान वगैरह लेके जा रहे हैं और निकुंज अभी सब सामान निकाल रहा है। देखो गाड़ी की इधर रखेंगे, इधर जो है ये वाले रख के इधर लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा अपना स्टैंड इधर खड़ा कर देंगे, ये इसके इधर ही कर देंगे ना अपन लोग, इधर लगा के इधर रख देंगे, इधर का ही कर के बैठेंगे, ये वाला इधर खड़ा कर देंगे पीछे, ये उसके बाजू में लगा देंगे यहाँ से, या तो मैं तो बोलूँ ये ना, ये इधर बाहर भी लगा सकता अपन, बट ये लगाने से ये ढकना नहीं चाहिए, ये क्रॉस रखेंगे ना ऐसा, अरे वो तो अपन बाहर बैठ के दिखा सकते हैं, क्लाइंट से यहाँ पे भी देख सकते हैं, फिर दोनों भी जगह तो है, अच्छा भी कर किधर भी खड़ा कर सकते हैं, तो यही करेंगे कि यहीं पे रख देंगे, तो क्लाइंट यहाँ आके यहाँ से ही देख लेंगे। चलिए आप इसी दोनों साइड में ना, ठीक है ना, चलिए।